लोग क्यों नास्तिक क्यों है पता है? चैतन्य महाप्रभु ने एक बार बताया, रूप गोस्वामी को उपदेश दे रहे थे, उन्होंने कहा कि इस सृष्टि में असंख्य जीव हैं, असंख्य जीवों में से कुछ पृथ्वी पर हैं, कुछ आसमान में है और कुछ जल में हैं, कुछ जलचर हैं, कुछ थलचर हैं, कुछ नभचर हैं। इन असंख्य जीवों में से मनुष्य बहुत कम है, मनुष्यों की संख्या बहुत कम है। उन मनुष्यों में से भी आधे ऐसे हैं जो नास्तिक हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं, और आधे में से जो बचे हुए जो भगवान को मानते हैं उसमें से ज़्यादातर कौन है पता है? कर्मी है। मैं तो कर्म करूँगा, मुझे कर्म करना अच्छा लगता है, एक अच्छा लगता है, ज़्यादातर तो काम करने में बिजी हैं, एक कर्मी है। लेकिन उसे पूछो भाई किस लिए कर्म कर रहा है, उसे पता नहीं। उनको पता है कि सब कर्म करने के बाद भी तुमको सब छोड़कर ही जाना पड़ेगा इधर। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि कोटि कर्मी मध्य एक ज्ञानी श्रेष्ठ, करोड़ों कर्मियों के बीच में एक ज्ञानी जो है कौन है? श्रेष्ठ है। अब देखा कहाँ से सारे जीव, फिर मनुष्य, फिर नास्तिक, फिर कर्मी, जिनको सिर्फ कर्म करना अच्छा लगता है, बहुत हम कर्मठ है, कर्म करेंगे। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि करोड़ों कर्मियों में से एक ज्ञानी व्यक्ति होता है जो यह जानने का प्रयास करता है कि आत्मा नित्य है, शाश्वत है, इसका ज्ञान रखने वाला भी बहुत कम होता है। करोड़ों कर्मियों में से एक ज्ञानी श्रेष्ठ। फिर चैतन्य भाव कहते हैं कि कोटि ज्ञानी मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, एक मुक्त श्रेष्ठ। करोड़ों ज्ञानियों में से कोई कोई मुक्त होता है, सारे मुक्त नहीं होते हैं, लिबरेटेड। कर्मियों में से ज्ञानी, ज्ञानियों में से मुक्त। और फिर चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि कोटि मुक्ति मध्य एक कृष्ण भक्त श्रेष्ठ, करोड़ों मुक्त आत्माओं में से कोई एक कृष्ण भक्त होता है। उसी बात यहाँ गीता भगवान कह रहे हैं, मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् एतत् सिद्धः। तो कृष्ण भक्त बनना इतना आसान नहीं है, हमारे आपके अंदर अभी भक्ति शुरू ही नहीं हुई है, भक्ति के स्तर पर हम आए ही नहीं है, हमारा मन आसक्त नहीं है भगवान में। ये हमको अपने आप को सर्टिफिकेट देना चाहिए, हम भगवान के शरण नहीं है, घरवाली का शरण लेके बैठे हैं, है ना। हमारा मन पैसों में अटका हुआ है कि नहीं है, या तो सेठ की शरण में है कि नहीं। एक बार एक आदमी एक घर के बाहर मत्था टेक रहा था, तो किसी ने पूछा कि भाई क्यों टेक रहे, कोई मंदिर है क्या? बोला ना, बोला है मेरी ससुराल है, यहीं से मुझे सब मिला था, टीवी बीवी सब मिला थी, मैं यही का शरण लेकर रखा हूँ मैं। भगवान करे मद आश्रय है, मेरा शरण ले लो, लेकिन बोलता नहीं हम तो इधर का शरण लेकर रखे, समझ गए। तो ये हालत है हम सबकी। मई आसक्त मन पार्थ योगम युजन, भगवान की सेवा करना ये बड़ा कठिन काम है। सेवा के रूप में भगवान ने कहा है कि तुम खाली मेरा नाम जप किया करो, बस हो गए, मेरी सेवा हो जाएगी। ये नाम जप करना इतना आसान है क्या? लोग बोलते हैं ना हरे कृष्णा में रखा क्या है, तो करके तो दिखाओ, रोज आधा घंटा एक घंटा बैठ के नियम से बैठ के करके तो दिखाओ, बोलना आसान है ना। प्रभुपाद जी एक जगह कहते थे कि कलयुग में किसी को नाम जप करवाना कैसा है पता है? घोड़े को दवा पिलाने जैसा है। घोड़े को दवा पिलाना आसान है क्या? चार आदमी चाहिए चार टांग पकड़ने के लिए, पांचवा चाहिए उसका मुंह खोलने के लिए, फिर छठा चाहिए उसके अंदर दवा डालने के लिए, राइट। घोड़े को दवा पिलाना इतना आसान है क्या? प्रभुपाद जी ने तो घोड़ा कहा था, बाद में किसी ने कहा नहीं गधों को दवा पिलाना आसान नहीं है।